साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी कैलाश व्याल। साथियों सुबह से ही यहाँ पर मरीज और उनके तीमारदारों का हमारे पास फोन आ रहा था कि अस्पताल में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। पानी पीने तो छोड़िए, शौचालय में जाने के लिए भी मरीजों के लिए व्यवस्था नहीं है और वो बाहर से पानी लेकर आ रहे हैं। अम्मा पानी की क्या व्यवस्था है, क्योंकि अस्पताल बहुत बढ़िया हो गया है जैसा दावा करती है सरकार, पीपी मोड़ पर अस्पताल गया है। अब क्या करें, परेशानी भुगतनी पड़ रही है, बैठ जा रहे हैं। तो पानी कहाँ से लेकर आ रहे हैं, बाहर से? बाहर से भी ले आ। कैसी पानी की व्यवस्था, शौचालय में पानी नहीं है, किस तरीके से जा रहे हैं, क्या व्यवस्था कर रहे हैं? सुबह से कोई पानी नहीं है, सुबह से साहब पेशेंट परेशान फिर रहे हैं। तो क्या व्यवस्था के लिए आपने बोला, पानी की व्यवस्था के लिए बोला था तो उन्होंने ये कहा कि 9:30 बजे हम स्टार्टिंग कर देंगे पानी की, अगर आता तो, क्योंकि ये हमारा हाथ नहीं है। तो पानी पीने के लिए कहाँ से लेके आ रहे हैं? पीने के लिए तो घर से आ रहा है पानी भाई, यहाँ तो पीने के लिए भी साफ से बैठी। शौचालय वगैरह गए तो कहाँ से लेके आए, बाहर गए? है ही नहीं वहाँ पानी, गए शौचालय गए तो कहाँ से लाए पानी, या बाहर गए? बाहर से लाए। मरीजों के साथ तीमारदार है, उनसे भी हमने जाना था, पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है अस्पताल में, एक बहुत बड़ी लापरवाही का मामला है। सर का क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव जी, पानी के लिए भटक रहे हैं मरीज, शौचालय में तक पानी नहीं है जी। पानी कहीं नहीं है, कल से पानी नहीं है, कल भी बिल्कुल पानी नहीं था, आज भी नहीं है बिल्कुल पानी। मतलब वो कह रहे हैं कि पानी है ही नहीं कहीं भी, किसी को पता ही नहीं कुछ भी। अच्छा, तो आप लोगों ने टैंकर से व्यवस्था नहीं करवाने के लिए ही बोला? वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मालूम। क्या नाम है आंटी? ममता जी। ममता जी, पानी की व्यवस्था क्या है? पानी नहीं है यहाँ, सुबह के टाइम में नहीं रहता बस पानी। अच्छा, तो क्या जब बहुत सारी दिक्कत आ रही होंगी शौचालय वगैरह, बहुत सारी दिक्कतों में, तो कहाँ से लेके आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? फिर बाहर से लाना पड़ा है पीने के लिए, वैसे शौचालय के लिए परेशान होते फिरते रहते हैं। अच्छा, पानी नहीं है? नहीं है पानी। तो ये मरीजों के साथ जो तीमारदार थे वो लोग हैं, और इनका साफ कहना है कि कल से यहाँ पर पानी नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन द्वारा की जा रही है, जो भर्ती मरीज है उनके लिए शौचालय में तक जाने के लिए पानी नहीं है। क्या नाम है आपका? जयपाल। जयपाल जी, पानी की क्या व्यवस्था है शौचालय वगैरह, पीने का पानी अस्पताल में? पानी जो है शौचालय में तो पानी नहीं आ रहा जी, उसने जो है नीचे से लाए बोतल पानी। अच्छा, और तो उसे जो है पानी की व्यवस्था खुद कर रहे हैं? हाँ, पानी की व्यवस्था खुद कर रहे हैं। तो अभी देखा आपने, शौचालय में जाने तक के लिए भी मरीज खुद पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। आप उसी को लेकर हम यहाँ पर पहुँचे थे और हमने आपको सब कुछ दिखाया। साथियों आपको बता दें कि इस अस्पताल को, ये कुमाऊं और गढ़वाल का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर दूर दराज से, कुमाऊं से भी और गढ़वाल से भी लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। लापरवाही के मामले तो पूर्व में भी यहाँ पर बहुत सारे आए, लेकिन आज अस्पताल प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है कि अस्पताल में पीने तक का पानी नहीं है। पीना तो छोड़िए, शौचालयों में जाने के लिए तक पानी मरीजों के लिए नहीं है। अभी मरीजों ने हमें बताया कि किस तरीके से वो शौचालयों में भी बाहर से पानी लेकर आ रहे हैं, उसके बाद अपने मरीजों को शौचालय में, वॉशरूम में लेकर जा रहे हैं। तो आपने देखा क्या, इसीलिए अस्पताल को पीपी मोड़ पर दिया गया था।